नहीं भी कहा है। और आज फिर मैं कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार तानाशाह सरकार है, आम जनता को कुचलने वाली सरकार है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है सरकार, और आदिम समाज की जो संस्कृति, आदिम संस्कृति सभ्यता, वो हमारे लिए पूजनीय है, सम्मानीय है। और ऐसी परिस्थिति में जब सरकार बोल रही है कि हम आदिवासियों के हित रक्षक हैं, संवेदनशील हैं, उसके बावजूद अगर हमारे आदिवासी भाई को बेरहमी से पीटा गया है, मारा गया है, उनके आत्मसम्मान को प्रताड़ित किया गया है, तो इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि वो जनहितैषी निर्णय लें और आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करने की वो जो बात सदन में करते हैं, अखबारों में करते हैं, वो मूर्त रूप में दिखाने का काम करें। पर बीजेपी तो कह रही है कांग्रेस को कोई काम ही नहीं है, बस इल्जाम लगाने का काम है, तो वो इल्जाम लगाते रहते हैं। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से तो बीजेपी सरकार बहुत काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सबके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि आम जनता को आप कुचलें। अगर हम 66 भी हैं तो हम 66 जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के, हम चुनकर आए हैं, जनता ने हमें 2.5 लाख जनता ने हमको चुनकर यहाँ विधानसभा में भेजा है। तो हमारा तो मुद्दा यही है कि जनता के लिए हमको सड़क पर भी लड़ना है, सदन में भी लड़ना है। और अगर कहीं जुल्म होगा, शोषण होगा, जाति होगी, तो जहां जहां जुल्म होगा, जहां जहां जाति होगी, वहां वहां कांग्रेस का हमला होगा, हमारा हमला होगा। रात में आप भोजन करने के लिए गई थी कमलनाथ जी के यहाँ, वहां आपने कहा था बस कुछ ही क्षणों में नाम आने वाला है राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार का, अभी तक नहीं आया। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की एक सिपाही हूँ और सिपाही के रूप में ही काम करती हूँ। अभी हमें किसी तरह का कोई संकेत नहीं मिला है माननीय हमारे आदरणीय नेताओं के तरफ से, तो जैसा भी जो भी निर्णय होगा आप लोगों के सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने अच्छा